Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Hello. I am Ali Haider Fayaz. I have come to deliver a presentation on my seminar topic, Introduction to Nanotechnology, Carbon Nanotubes and its application is the topic of my today's talk. So first of all, my presentation is divided into two parts. First part is introduction to nanotechnology and its applications. And the second part is carbon nanotubes and their biomedical and industrial applications. So first of all, introduction of nanotechnology. Any technology that is applied at nanoscale and has real world applications or implications is known as nanotechnology. So अगर nanotechnology की definition को हम जरा गौर से देखें तो इसके अंदर nanoscale का जिक्र आता है. तो नैनो स्केल क्या होता है? सबसे पहले अगर हम नैनो को देखें तो नैनो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन जबान का वर्ड है, जिसका मतलब होता है ड्वार्फ बोना, मतलब स्मॉल टेक्नोलॉजी, छोटी टेक्नोलॉजी. सो जो भी टेक्नोलॉजी नैनो स्केल, मतलब छोटे स्केल के ऊपर हो, ये स्केल छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे. ये बहुत ही ज़्यादा छोटे स्केल के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाए और इसकी रियल वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेशंस भी हो. अब बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से इसकी एप्लीकेशन भी कुछ होनी चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो. तो सबसे पहली बात तो ये नैनो का मतलब ड्वार्फ होता है बोना, और टेक्नोलॉजी जो कि आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं तो ड्वार्फ स्मॉल टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया. और नैनो की एक मैथमेटिकल वैल्यू भी होती है, नैनो को हम 1 बिलियंथ भी कहते हैं. सो जो नैनो होता है वो 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट होता है. सो देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी 1 मीटर से 1 बिलियन टाइम स्मॉलर होती है. और इसी की वजह से जब ये टेक्नोलॉजी इतनी छोटे स्केल पे चली जाती हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बल्क मटेरियल्स जो कि हम आम तौर पर देखते हैं उनसे कुछ मुख्तलिफ हो जाती हैं. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी थर्मो प्रॉपर्टीज़, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़, हर किस्म की प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट हो जाती हैं बल्क मटेरियल से. और इसी प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि ये फिनोमिना क्या ऐसा फिनोमिना होता है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस हो जाती हैं, उसको हम या साइंटिस्ट क्वांटम कन्फाइनमेंट कहते हैं, ठीक हो गया. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल एट नैनो स्केल चेंज ड्रामेटिकली एंड दिस इज रेफर्ड टू अस एज क्वांटम कन्फाइनमेंट. ओके, सो मटीरियल इन रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर एक्ट एज नैनो मटीरियल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी की फैब्रिकेशन के लिए हमें नैनो मटीरियल की ज़रूरत होती है जिनकी रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर है, और 1 नैनोमीटर 1 बिलियन टाइम स्मॉलर होता है आपके मीटर से. सो नैनो मटीरियल वर्किंग कॉन्सेप्ट, नैनो मटीरियल वर्क कैसे करते हैं, इनकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा क्यों है और ये इतना अच्छा वर्क कैसे कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैंने पहले भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफरेंस होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कैसे किया जाता है. वैल इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के दरमियान में होती हैं. क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मुख्तलिफ होती हैं. और बल्क मटीरियल जो कि हम देख रहे होते हैं, बल्क मटीरियल, सेमीकंडक्टर या कोई भी मटीरियल, उनसे भी मुख्तलिफ होती हैं, मतलब उन दोनों के दरमियान में कहीं आती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़. और यही इनका वर्किंग प्रिंसिपल है और यही इनकी यूनिकनेस है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के दरमियान में कहीं आती हैं. सो नैनो मैनुफैक्चरिंग, अब नैनो मैनुफैक्चरिंग, नैनो मटीरियल्स को मैनुफैक्चर करने के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए यूजली कुछ किस्म के प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं या टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं. उनमें से सबसे पहली टेक्निक्स है सेल्फ असेंबली. सेल्फ असेंबली में क्या होता है कि बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स या सॉल्वेंट्स ये आपस में एग्लूमरेट्स होते हैं और लार्जर मालिक्यूल बनाते हैं, आपस में मिलेंगे और लार्जर मालिक्यूल बनाएंगे. उन लार्जर मालिक्यूल के बनने की वजह से जो हमारे पास बल्क मटेरियल, थोड़ा सा बल्क मटेरियल आएगा नैनोमीटर के अंदर, 5 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज के अंदर, तो वो हमारा नैनो मटीरियल होगा जो कि हम फैब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे नैनो टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
तो सेल्फ असेंबली के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डीएनए आरएनए आपस में एग्लोमरेट कर सकते हैं और ये कंबाइन होकर नैनो मटेरियल जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो वो बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है केमिकल सिंथेसिस। सो केमिकल सिंथेसिस कन्वेंशनल मेथड है, आमतौर पर भी इस्तेमाल होता है। एज अ केमिस्ट हम जानते हैं कि जब दो प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट नैनो मटेरियल हो सकता है हमारा। तो इसके अंदर यही हो सकता है कि गैसियस प्रीकर्सर्स या सॉल्वेंट्स और सॉल्यूट आपस में मिलकर जो प्रोडक्ट हमारा बनाएंगे वो हमारे पास होगा नैनो मटेरियल। सो गैसियस प्रीकर्सर्स और सॉल्वेंट्स कंबाइन और केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव रेज टू नैनो मटेरियल, दिस इज नाउन एज केमिकल सिंथेसिस। अदर वन इज मॉलिक्यूलर बीम इपिटॉक्सी। मॉलिक्यूलर बीम इपिटॉक्सी के अंदर क्या होता है कि टेक्निक होती है, इसके अंदर थिन फिल्म किसी भी स्ट्रक्चर की या किसी भी मटेरियल की जो कि नैनोमीटर की रेंज में होगा ऑब्वियसली, उसको हम किसी भी सरफेस के ऊपर लगा देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। तो वो जब डिपॉजिट होगा किसी भी सरफेस के ऊपर तो उस सरफेस का जो डायामीटर होना चाहिए वो 1 atom से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बीम इपिटॉक्सी होती है जिसके जरिए नैनो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास नैनो प्रिंट लिथोग्राफी, ये टॉप डाउन अप्रोच है नैनो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अंदर भी सेम क्या होता है कि स्टैम्पिंग या प्रिंटिंग, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आजकल हमारे पेपर प्रिंट होते हैं उनके ऊपर छापा जाता है, इसी तरह स्टैम्प हम करते हैं ऑफिस के अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए तो उसके ऊपर स्टैम्प लगाते होते हैं। तो ये वही नैनो प्रिंटिंग लिथोग्राफी या टॉप डाउन अप्रोच है, इसके जरिए नैनो स्ट्रक्चर को किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर सरफेस के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है या प्रिंट किया जाता है या स्टैम्प किया जाता है। उसके बाद डिप पेन लिथोग्राफी। डिप पेन लिथोग्राफी एक, अगर आप गिलास के अंदर पानी लें तो उसके ऊपर अगर आप पेन की निब को डालें पानी के सरफेस के ऊपर रखें तो पानी निब जो है वो पानी के ऊपर एक एटॉमिक फोर्स एग्जर्ट करेगी, तो उसी एटॉमिक फोर्स को एग्जर्ट करते हुए ये क्या नाम है क्रिएट कर सकते हैं नैनो मटीरियल्स। तो ये नैनो स्केल के अंदर होगा, बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर होता है तो इसकी वजह से इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ डिफरेंस होती हैं, लेकिन इस हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर इसकी नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऊपर ऊपर से ही हमने देखना है। तो क्रिएट नैनो स्केल फीचर ऑन अ सरफेस बाय इमर्सिंग एन एटॉमिक फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक हो गया। इसके बाद नैनो मटेरियल की कंपैरिजन दूसरे बायो मॉलिक्यूल से। तो नैनो पार्टिकल जो हमारे होते हैं, हमने अभी तक तो ये जान लिया कि ये काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन कितने छोटे होते हैं इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि एक वायरस जो होता है वो 50 nanometers का होता है, 50 nanometers का साइज होता है। बायो मार्कर्स जो कि हमारे ब्रेथ एनालिसिस के अंदर होते हैं या किसी भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए बायो मार्कर्स इस्तेमाल होते हैं वो 5 to 10 nanometer रेंज के अंदर होते हैं। जबकि हमारा जो नैनो पार्टिकल है जो अभी तक हमारे पास नाउन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हमारी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस के अंदर, वो कितने रेंज का होता है, वो रेंज होता है 5 nanometer, और हमारा डीएनए 2 nanometers का होता है। तो अगर आप देखें तो डेफिनेशन भी हमने पढ़ी उसके अंदर 1 nanometer से 100 nanometer तक रेंज हो सकती है नैनो पार्टिकल्स की, तो डीएनए से भी स्मॉलर हो सकता है आपका नैनो पार्टिकल, लेकिन अभी तक जो हमारा नाउन एप्लीकेशन के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5 nanometer रेंज के अंदर आएगा। तो इसका कंपैरिजन देखा जाए दूसरे बायो मॉलिक्यूल से भी काफ़ी स्मॉलर है उनके हिसाब से। उसके अलावा एक फन फैक्ट अगर देखा जाए कि अपना नैनो पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं, तो आप इस फैक्ट से अंदाज़ा लगा लें कि एक नॉर्मल ह्यूमन हेयर है, हेयर बाल जो हमारे बाल होते हैं उससे ये 500 to 100,000 times smaller होते हैं, 500 to 100,000 times smaller हो सकते हैं ये नैनो पार्टिकल्स। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आपके बाल आपको बाकायदा अगर रोशनी ज़्यादा ना हो तो आपको नज़र नहीं आते, तो ये तो उनसे भी smaller है, ये हमें नज़र नहीं आ सकते, ऑब्वियसली हमें नज़र नहीं आ सकते, हमें कुछ ख़ास किस्म की डिवाइसेस चाहिए होंगी इनको देखने के लिए। तो ये कितने ज़्यादा smaller हो सकते हैं ये एक फ़न फैक्ट है। और एक और फन फैक्ट आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक सेल, हमारा जिस्म जो है वो मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, तो एक सेल जो है उसके अंदर 5 million nanoparticles जो है वो समा सकते हैं या उसके अंदर आ सकते हैं।
So one cell can pack approximately 5 million nanoparticle if packed solid 100%. So that's इतने ज़्यादा smaller हो सकते हैं ये. That's how much smaller they can be. So nanoparticle unique functionality or unique character. Why they are so much unique? As already told you, they are unique due to quantum confinement. The specific function by or process by which their properties differ from bulk materials or quantum mechanics. So इस वजह से हो सकते हैं. अगर एक हम अंदाज़ा लगाया जाए कि ये properties जो होती हैं उसकी इसकी एग्जाम्पल क्या है कि जब वो कोई भी बल्क मटीरियल नैनो स्केल के अंदर चला जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंस हो सकती हैं, तो उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मिनिएचराइजेशन ऑफ नैनो मटीरियल्स मटीरियल्स नैनो इन नैनो स्केल. एक आप क्यूब लें, क्यूब 20x20 सेंटीमीटर का होगा, मतलब उसकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर, विथ भी 20 सेंटीमीटर एंड उसकी डायामीटर भी 20 सेंटीमीटर. उस क्यूब को आप 10^21 से डिवाइड कर दें, मतलब उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तो हमारे पास जो एक छोटा क्यूब आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 20 नैनोमीटर्स का. तो वो जब 20 नैनोमीटर का आपके पास छोटा क्यूब आएगा उसको कंपेयर करें आपके बड़े क्यूब से जो कि 20 सेंटीमीटर का है. कंपेरिजन किसका, 20 नैनोमीटर और 20 सेंटीमीटर का. अगर आप दोनों को कंपेरिजन करेंगे कि जो 20 सेंटीमीटर का जो आपके पास क्यूब है उसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है और जो 20 नैनोमीटर है इसका सरफेस एरिया 10 मिलियन टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 20 सेंटीमीटर क्यूब से. तो जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाती हैं, आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं उनके अंदर. आप पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन तक के आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी अब्सॉर्ब किए जा सकते हैं. इसकी आगे एप्लीकेशन जो है हम वोलाटाइल बायोमार्कर्स के अंदर आगे मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे. तो मिनिएचराइजेशन भी होती है, उससे आपका एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी मटेरियल को नैनो स्केल के अंदर मिनिएचराइज कर दें तो उससे आपकी क्या प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस आ सकता है. एज ए केमिस्ट हमें पता है कि हम कैटलिस्ट को हमेशा फाइन पार्टिकल की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं. फाइन पार्टिकल की शक्ल में इस्तेमाल करने का क्या मकसद होता है, उनका सर्फेस एरिया बढ़ जाता है, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इन्हेंस कर जाती हैं. तो अंदाज़ा लगाएं कि जब एक पार्टिकल को अगर आप छोटा कर दें तो उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज बढ़ सकती हैं, तो अगर उसको मिनीचराइज करके नैनो स्केल के अंदर ले जा सकें तो कितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज उसके अंदर डिफरेंसेस आ जाएंगे, ये आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन की रेंज के अंदर भी मटीरियल्स छोटे छोटे मालिक्यूल्स हैं उनको भी अपने सर्फेस के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो नैनो पार्टिकल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे कि अभी हमारे कैंसर काफ़ी मसले की वजह से कैंसर काफ़ी बंदों में एक मुख्तलिफ किस्म का कैंसर डिटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़्यादा हमारे पास एडवांस देखा जाए कि ट्रीटमेंट कौन सा है, तो वो ट्रीटमेंट हमारे पास है कीमोथेरेपी, केमिकल्स के ज़रिए कीमोथेरेपी के ज़रिए है. लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि अगर आप कीमोथेरेपी के ज़रिए कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें मसला ये होता है कि आपके वो लिविंग सेल जो कि नॉन कैंसरस सेल है उनको भी साथ में वो टारगेट करता है और ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आदमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी या मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं. वो कैंसर पार्टिकल को तो मारता है लेकिन वो साथ में लिविंग जो के होते हैं सेल्स उनको भी ब्रश करना या ख़राब करना या डिकम्पोज करना शुरू कर देता है. इसके बरक्स अगर आप नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं, नैनो पार्टिकल को किसी तरह आप इंजेक्ट करते हैं अपने जिस्म के अंदर, और नैनो पार्टिकल अपने काम में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, वो सिर्फ उसी सेल को जो कि कैंसर काजिंग होगा या सिर्फ बॉडी का वो पार्ट जो कि जिसके अंदर कैंसर होगा सिर्फ उसको टारगेट करेगा, सिर्फ उसको टारगेट करेगा और अपना काम करेगा. इसकी वजह से जो लिविंग सेल्स हैं जो कि नॉन डेंजरस है वो उससे कुछ भी इसको मसला नहीं होने वाला. इसकी एक एग्जांपल के तौर पर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल जो कि फेरस, आयरन या कोबाल्ट किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रख सकते हैं उनको हमारे जिस्म के अंदर एंटर किया जाता है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है. उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि वो नैनो पार्टिकल, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करना शुरू कर देते हैं. दे स्टार्ट रोटेटिंग अराउंड देयर एक्सिस. अपने एक्सिस के ऊपर ये रोटेट करने की वजह से क्या होता है कि सेल के अंदर एक खास किस्म का प्रेशर एग्जर्ट होता है.
उस प्रेशर की वजह से सेल ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है और जो कैंसर का सेल होता है वो खत्म हो जाता है आपके जिस्म से। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव और नॉन इनवेसिव अप्रोच है, जिसकी वजह से आपका कोई दूसरा फंक्शनिंग बॉडी जो है वो ख़राब नहीं हो रही। तो ये नैनो पार्टिकल कैंसर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर के लिए हम आइडियल नैनो पार्टिकल भी बना रहे हैं अभी, जो कि काफ़ी मरहल के ऊपर गुजर चुका है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि कोई भी हम नैनो मटीरियल इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम एंटीबॉडी लगा देंगे। एंटीबॉडी का क्या काम होगा कि वो कैंसर को ढूंढेगा, कैंसर सेल को, और उसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके साथ हम कोई भी कंट्रास्ट एजेंट लगा सकते हैं। कंट्रास्ट एजेंट का क्या काम होगा, इमेजिंग करना, जैसे कि MRI, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग, तो ये वो कर सकता है। उसके अलावा हम ड्रग पे लोड या ड्रग थेराप्यूटिक या थारानोस्टिक एजेंट डाल सकते हैं उसके साथ। उन थारानोस्टिक एजेंट्स का क्या काम होगा कि वो ड्रग्स के जरिए उसको केयर करें, और जो इमेजिंग आएगी उससे हम कैंसर की रिसर्च के अंदर काम कर सकते हैं। तो टारगेटिंग वगैरह ये सारा बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव छोटे नैनो स्केल के अंदर हो रहा है, तो इसका इतना प्रॉपर्टीज, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होंगी हमारे पास। तो ये आइडियल कैंसर नैनो पार्टिकल है, कंसेप्चुलाइज्ड है, अभी तक इसके ऊपर काम हो रहा है। सो क्वांटम डोट्स एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि नैनो मटीरियल कैसे काम करने हैं, तो उसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्वांटम डोट्स हमारे पास हो सकते हैं। क्वांटम डोट्स का मेडिकल, बायोमेडिकल और साथ में आपका फोटोवोल्टेक डिवाइसेस जो सोलर सेल्स हैं उनके अंदर काफ़ी काम है। अभी ये क्वांटम डोट्स रिसेंटली डिवेलप्ड हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। क्वांटम डोट्स को नैनो क्रिस्टल कहते हैं, सेमी कंडक्टिंग नैनो क्रिस्टल्स। इनके प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं, उनको बायोमेडिकल के अंदर क्या नाम है MRI, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इमेजिंग के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल अभी तक देखा जा चुका है। इमेजिंग के अंदर कैसे उनका इस्तेमाल देखा जा चुका है कि ये जो पार्टिकल होते हैं इनके ऊपर अगर यूवी लाइट डाली जाए तो ये डिफरेंट कलर शो करते हैं, रेड कलर शो कर सकता है, ब्लू कलर शो कर सकता है। वो पार्टिकल जो कि थोड़े बड़े होंगे, लार्ज इन साइज होंगे, वो रेड कलर शो करेंगे, और वो पार्टिकल जो कि थोड़े स्मॉलर इन साइज होंगे वो कौन सा कलर शो करेंगे, ब्लू कलर शो करेंगे, वो ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेंगे। तो ये वेवलेंथ और एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप यहाँ पर बयान हो रहा है, थोड़ा सा बात चल रही है। तो नैनो क्रिस्टल, ये जो क्वांटम डोट्स नैनो क्रिस्टल्स हैं, इनको हम आर्टिफिशियल आटम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होने की वजह से इनको आर्टिफिशियल आटम भी कह सकते हैं। इसके अलावा इनका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है, इसकी एप्लीकेशन आपकी फोटोवोल्टिक डिवाइसेस के अंदर हो सकती है। कन्वेंशनल फोटोवोल्टिक डिवाइसेस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिलिकॉन बेस्ड हैं, लेकिन उनकी क्या मसला है कि उनके अंदर जो मैक्सिमम अगर 100% लाइट आती है तो वो सिर्फ 30% जो लाइट है उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या हमारी सोर्स एनर्जी के अंदर, बाकी सब जाया जाता है मोर देन 70%। लेकिन क्वांटम डोट्स अभी तक जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो 42% तक लाइट को कैप्चर करके उसको एनर्जी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइट के ज़रिए दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना लूमो से होमो की तरफ जाते हैं, मतलब लूमो से क्या मुराद होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और होमो हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब वो ऊपर जाते हैं तो वो नीचे भी आएंगे, जब वो नीचे आएंगे तो उनकी एनर्जी जाएगी, स्टोर होगी और वो कन्वर्ट होगी। ये बाकी की बात है, फोटोवोल्टिक डिवाइसेस इस तरह काम करते हैं। तो बाकी जो बात आ गई क्वांटम डोट्स मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन के अंदर इनका इस्तेमाल ये है कि ये काफ़ी डिजीज़ कैंसर के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, कैंसर की देखने के लिए। अगर हम किसी भी तरह नैनो पार्टिकल क्वांटम डोट्स को अपने जिस्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो हमारे जिस्म के जिस हिस्से के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं वो बाहर से नज़र आ रहा होता है उनका कलर, रेड ब्लू या जो भी कलर हो उनका, क्योंकि कलर इनका शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये पार्टिकल के साइज के ऊपर। सो जब भी वो उनका ट्रैवल करेगी और कैंसर सेल्स की तरफ जाएगा तो वो साथ साथ में हमारे पास वो कलर नज़र आ रहा होगा, तो कलर नज़र आने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा हमारा कैंसर काजिंग है। उसके साथ क्योंकि हम ऑब्वियसली एंटीबॉडी डालेंगे तो एंटीबॉडी का काम होता है कि वो एंटीजन को ढूंढे, और इस केस में एंटीजन हमारा कैंसर पार्टिकल है, ठीक हो गया। तो लेबलिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास MRI, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल के जैसे बारे में पहले ही बात हो चुकी है कि कैंसर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा भी
ये जो मैग्नेट हमारे पास अभी मैग्नेटिक पार्टिकल मौजूद है, आयरन बल्क कोबाल्ट वगैरह, उनसे इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, कि ये बहुत ज़्यादा हद तक उनसे ज़्यादा मैग्नेटिक होते हैं। तो ज़्यादा मैग्नेटिक होने की वजह से क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज अपने एक्सिस के दरमियान बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोटेट कर रहे हैं और ये तो नज़र भी नहीं आ रहे होते। तो इसकी वजह से ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कैंसर थेरेपी और कैटालिसिस के अंदर इनका बहुत ज़्यादा काम हो गया। उसके बाद हमारे गोल्ड नैनो पार्टिकल हैं। जैसे कि गोल्ड, आपको पता है कि आप फीमेल्स वगैरह गोल्ड या मेल्स गोल्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो गोल्ड जो होता है वो पीले कलर का होता है, गोल्डन उसका एक करेक्टरिस्टिक कलर होता है। लेकिन जब गोल्ड पार्टिकल नैनो पार्टिकल के अंदर आता है या नैनो साइज के अंदर आता है, तो इसका कलर गोल्ड नहीं रहता, देयर कलर चेंज, दे मे बी ऑफ पर्पल, रेड, वायलेट, any color, sort of color, different type of color possessed by different shapes of gold particles. So gold particle को basically solvents के अंदर dissolve करके solution बनाया जाता है, और ये gold particle का भी optical properties जो है वो quantum dot से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। लेकिन ये नैनो क्रिस्टल्स नहीं होते, ये पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल इमर्ज इन सॉल्वेंट। बेसिकली सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा वाटर ही होता है। तो इनका एक लोकलाइज्ड सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस एक इनका एक करेक्टरिस्टिक होता है, जिसके जरिए अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट ट्रांसफर होती है, आप जैसे लाइट आती जाती है, तो आपको पता है कि बेंडिंग होती है। लेकिन इस केस के अंदर बेंडिंग जो कि कन्वेंशनल बेंडिंग है उससे बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से इसका पार्टिकल का साइज जो है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से हमारा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक नोज बायोसेंसर फॉर वोलाटाइल बायोमार्कर डिटेक्शन। इलेक्ट्रिक नोज, हमारी जो ब्रेथ है, ब्रेथ एनालिसिस, अगर ब्रेथ एनालिसिस देखी जाए तो एक जो हमारा हेल्दी पर्सन है और एक पर्सन जिसने कोई डिजीज कैच कर लिया, उनके अंदर उनकी ब्रेथ एनालिसिस के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ की आप केस ले लें, डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि अगर हम ब्रेथ एनालिसिस करें तो हमारा जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर एसीटोन एक मॉलिक्यूल है, वो 1 part per million एक ब्रेथ एनालिसिस के अंदर हमारा पाया जाता है, 1 part per million। और जो आपका डायबिटिक पर्सन है उसके अंदर 3 to 4 part per million एसीटोन पाया जाता है। तो ये 2 part या 3 part का ही डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा पार्ट पर मिलियन वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल है। तो इसके लिए बायोसेंसर डिवाइसेस हमारे पास तैयार की गई हैं नैनो मटेरियल्स को यूज़ करके। बायोसेंसर्स क्या होते हैं, एनालिटिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दे आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल यूजेस। ओके, तो सबसे पहले तो ये इनका इस्तेमाल आ गया कि ये ब्रेथ एनालिसिस करते हैं, और ये हमारे पास हम सिर्फ एक ही बीमारी को या एक ही डिजीज़ को सिर्फ ब्रेथ एनालिसिस के जरिए नहीं दे सकते। हम मैलिग्नेंट ट्यूमर, आपका कोई भी दिमाग का ट्यूमर, कैंसर, हर चीज़ की डिटेक्शन के लिए बायोसेंसर इस्तेमाल हो सकते हैं। सो वो भी सिर्फ आपकी नोज के ऊपर लगाने के बाद आपका उसका डिटेक्शन की जा सकती है कि इनके अंदर प्रोबेबिलिटी डिफरेंस क्या है। सो इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन जो कि कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं। सो कार्बन नैनो ट्यूब्स बेसिकली है क्या, ट्यूब मेड ऑफ कार्बन एंड एक्सेप्शनल नैनो पार्टिकल इन टूडेज एज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर एक्चुअली एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जैसे कि ग्रेफाइट, ग्रेफीन वगैरह है, ये एलोट्रोप्स ही है, डायमंड भी एलोट्रोप है कार्बन का, तो ये कार्बन नैनो ट्यूब भी बेसिकली एक एलोट्रोप ही है कार्बन का, जो कि कैसे बनाया जाता है, ग्रेफीन आपकी 1 dimensional होती है, 2 dimensional होती है, मतलब शीट होती है ना ग्रेफीन की, अगर उस ग्रेफीन शीट को हम फोल्ड कर दें, फोल्ड करने के बाद एक होलो स्ट्रक्चर बन जाए, एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर बन जाए, तो वो हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं। ठीक हो गया, तो कार्बन नैनो ट्यूब इस तरह बनते हैं। अब इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कार्बन नैनो ट्यूब साइज में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ इनकी देखी जाए तो स्टील से 10 times stronger होते हैं, और स्टील से ये 50 times lighter in weight होते हैं।
तो कितनी जबरदस्त किस्म की इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये स्टील से तो स्ट्रॉन्गर होते हैं लेकिन स्टील से ये वेट में काफ़ी ज़्यादा हल्के भी होते हैं। इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटीज हैं कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी नैनो स्केल में ऑब्वियसली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं, लेकिन इनके अंदर सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, ये छोटे से छोटे इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल डिफरेंसेस को भी आपस में डिटेक्ट कर लेते हैं, और ये थ्री डायमेंशनल होते हैं जैसे कि हम आपको बता चुके हैं पहले। तो ये थ्री डायमेंशनल होते हैं और ग्रेफीन शीट को फोल्ड करने से बनते हैं ये। इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं बनाने के लिए, केमिकल सिंथेसिस जैसे कि पहले सेल्फ असम्बली आपको बता चुके हैं हम, या इनको इलेक्ट्रॉन आर्क डिस्चार्ज मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसके अंदर कन्वेंशनली हम ग्रेफाइन शीट्स वगैरह को ग्रेफीन शीट्स वगैरह को जो टू डायमेंशनल होते हैं उनको हम इस्तेमाल उनको हम हीट अप करते हैं इलेक्ट्रॉन आर्क के अंदर। सो तो वेरिएशन ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स, कार्बन नैनोट्यूब्स की बेसिकली टू वेरिएशन पाई जाती हैं, मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब और सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब। अगर हम इस सिंपल ग्रेफीन शीट को फोल्ड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब। अगर हम एक कार्बन नैनोट्यूब के अंदर एक और कार्बन नैनोट्यूब किसी तरह डाल दें या एक से भी ज़्यादा डाली जा सकती हैं तो वो मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब है, MWCNT और SWCNT सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब। तो ये इनका डिफरेंस है थोड़ा, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस होती है और इनका साइज भी डिफरेंस होता है। जैसे कि हमारे पास SWCNT वो उसका रेंज होती है 0.5 to 1.5 नैनोमीटर डायमीटर, और जो मल्टी वॉल होती है ऑब्वियसली उसका 100 से नीचे ही होगा, 5 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक उसका डायमीटर रेंज हो सकता है, साइज हो सकता है। तो कार्बन नैनोट्यूब्स की एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, ये ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त किस्म के मटेरियल है टुडे एज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है, और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस होती हैं। तो इनकी जो कार्बन नैनोट्यूब है बेसिकली इनकी दो टाइप्स की एप्लीकेशन हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर जो कि हमारे पास है उनको बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर हमारे पास जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, वो भी आगे हम बात करेंगे कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अलावा एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास जहाज़ वगैरह या एरोप्लेन वगैरह या मिलिट्री रिलेटेड चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और कंपोजाइट मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कंपोजाइट मटेरियल ये आपके एरोप्लेन वगैरह ही हो सकते हैं कंपोजाइट, लेकिन इसके अलावा आपकी बाइसिकल्स वगैरह जो इंटरनेशनल यूज़ करते हैं आपके स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसके लिए भी ये क्योंकि फ्रेम को काफ़ी हल्का कर देता है और मजबूत होता है ये, तो उसके लिए ये कंपोजाइट मटेरियल के अंदर बन सकती हैं। बायोमेडिकल एप्लीकेशन के अंदर देखा जाए तो बायोसेंसर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, बायोसेंसिंग एप्लीकेशन, लैब होना चिप एप्लीकेशन, ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है अभी बायोमेडिकल के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके अलावा बायो मटीरियल मैनुफैक्चरिंग, बायो मटीरियल के बारे में भी आपको नहीं बताया वो भी आपको पता लगेगा। एंड कार्बन नैनोट्यूब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक जगह पर अगर आपने टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करनी है तो फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है कार्बन नैनोट्यूब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जैसे कि पहले आपको बताया जा चुका है कि कार्बन नैनोट्यूब अंदर से होलो होती हैं, तो अगर किसी भी इफ्लुएंट को या ऐसा वाटर जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, आजकल के टुडे जैसे कि फीमेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट, मेल भी इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली, तो वो जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्ट्रक्टिंग ग्लैंड होते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा जो होता है स्पेसिफिक ग्लैंड है हमारी बॉडी का उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पेचीदगियाँ या काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। तो उनसे निजात हासिल करने के लिए क्या हो सकता है कि हम कार्बन नैनोट्यूब्स को इस्तेमाल करें, कार्बन नैनोट्यूब के ऊपर वाटर को डाला जाए जो कि पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड वाटर जब उसके ऊपर आप डालेंगे तो उसके अंदर जो कार्बन हमारे पास मौजूद है वो हेक्सागोनल शेप के अंदर कार्बन ही कार्बन हर तरफ मौजूद होते हैं, तो वो कार्बन स्पेसिफिकली आपके जो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग ग्लैंड या आपके PPCs प्रोडक्ट होते हैं उनके पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो होती हैं आपकी उनके साथ रिएक्ट करेगा, उनको अपने क्या नाम है रिएक्शन करने की वजह से पानी जो है साफ नीचे चला जाएगा, ऊपर जो है वो रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका
ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इसका एप्लीकेशन इसकी तब से याद हुई है जब तक जब से ये इनको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया कार्बन नैनो ट्यूब्स को, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप कार्बन नैनो ट्यूब को एक और इलेक्ट्रोकेमिकल सीएनटी फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या होगा कि आप सीएनटी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज लगा देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल उसको कैथोड एनोड लगा देंगे, तो वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट आएगा, उसके साथ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से कार्बन नैनो ट्यूब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पावर एनोड की मिलने की वजह से तो ये थोड़ा रिएक्शंस होंगे। उसके बाद आपका जो पोल्यूटेंट है वो आपका कार्बन नैनो ट्यूब के साथ ही अटैच रहेगा और प्योर H2O नीचे चला जाएगा। तो ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप ऑफ फिनोमेना इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर होता है, जैसे आपको बताया वही इसके अंदर फॉलो होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा आला किस्म के हैं, जैसे आपको बताया जा चुका है। तो सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे होने की वजह से इनकी यही प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की फ्लो को मैनेज करने वाले, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पाथवे टू अनदर पाथवे एंटर करने के लिए जो सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस इस्तेमाल हो सकती हैं वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, बायोसेंसर। अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी को लैपटॉप से भी नीचे, अब हमारे पास लैपटॉप इस्तेमाल हो रहा है, पहले तो कंप्यूटर इस्तेमाल होता था, कंप्यूटर बहुत बड़ा था, जो IBM का सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो बहुत बड़ा था, लेकिन अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं, इस लेवल से भी कम आ सकते हैं अगर हम कार्बन नैनो ट्यूब्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। तो ये पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर काम भी हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह अगर आपकी डिटेक्शन करने चाह रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ये आपका, क्योंकि ये जाहिर सी बात है उनको ट्रैप कर लेता है अपने साथ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर इसका थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गया जी। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड कंपोजिट मटेरियल्स भी हो सकते हैं। कंपोजिट मटेरियल्स के अंदर क्या होगा कि आपके जो है कार्बन नैनो ट्यूब्स को इस्तेमाल किया जाएगा रीइंफोर्सिंग मटेरियल के साथ, और आपका क्या बन जाएगा कि साइकिल्स वगैरह जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं उनके फ्रेम्स वगैरह इनके साथ बनाए जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांसिंग फील्ड अभी चल रही है कंपोजिट मटेरियल्स की। तो इससे क्या होगा कि बाइसाइकिल्स की जो होगी फ्रेम्स, हॉकी स्टिक्स वगैरह या ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के सामान बनाए जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होगा कि इनकी वेट कम हो जाएगा। एक तो वेट इसका कम हो जाएगा, वेट कम होने की वजह से इसको पकड़ना आसान होगा, दूसरा ये मजबूत बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये इसकी कंपोजिट मटेरियल्स के अंदर होगी। इसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब प्रोडक्शन भी है, ये कैवलार जो कि पॉलीमर है उसके साथ मिलकर ये अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास बायोमेडिकल एप्लीकेशन है, जैसे कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंस होती है, तो बायोमेडिकल एप्लीकेशन के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहली बायोसेंसर जैसे आपको बताया चुके हैं, एनालिटिकल डिवाइसेस हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन स्मॉल स्केल, ठीक हो गया। तो कार्बन नैनो ट्यूब इज सॉर्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल अंडर गोट, क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि एक कार्बन नैनो ट्यूब लेंगे, कार्बन नैनो ट्यूब के ऊपर हम प्रोब DNA जो कि लेबॉरेटरी के अंदर सिंथिसाइज DNA किया जाता है उसको लगा देंगे, और टारगेटेड DNA जो कि इंसान के ब्लड के अंदर सोमेटिक सेल्स जो होते हैं उनसे लिया जाएगा, उनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे। उनकी रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि अगर तो उनके अंदर सिमिलैरिटीज होंगी दे डोंट रिएक्ट, बट इफ दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन तो क्या होगा, किसी के तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन या कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कुछ रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि जिस सरफेस, वो रिएक्शन किसके ऊपर हो रहा है, वो कार्बन नैनो ट्यूब के सरफेस के ऊपर हो रहा है। अब उस कार्बन नैनो ट्यूब के सरफेस की वजह ऊपर ये रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा कि कार्बन नैनो ट्यूब उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा और पता चल जाएगा कि टारगेटेड DNA जो हमने इंसान से लिया या किसी भी एनिमल से लिया उसके अंदर ये कैंसर है या नहीं है जिसका प्रोब DNA हमने इसके ऊपर डाला हुआ है। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर ये बायोसेंसर कार्बन नैनो ट्यूब के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका अगर रिएक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कार्बन नैनो ट्यूब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद जीन चिप या लैब ऑन अ चिप जिसको हम कहते हैं, तो क्या होगा, लैब ऑन अ चिप भी सेम एज जैसे कि आपकी बायोसेंसर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक ही चिप है, लैब ऑन अ चिप, एक ही चिप के ऊपर पूरा लैब है मतलब हमारा। तो उस एक ही चिप जो होगी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोब DNA होंगे, मतलब उसके अंदर फर्ज कर लें 4, 5, 6, 7, 10 कर लें 10 प्रोब DNA उसके अंदर अटैच किए गए डिफरेंट कैंसर्स के,
कुछ ब्रेस्ट कैंसर के लिए हो सकता है, कुछ ट्यूमर कैंसर जो कि ब्रेन ट्यूमर कैंसर की वजह से, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर की वजह से, तो डिफरेंट कैंसर्स के उसके ऊपर हमने प्रॉप डीएनए लगा दिए। अब हम जब उसके ऊपर सोमेटिक सेल दूसरा अपना अपना ब्लड या अपना डीएनए डालेंगे, तो अगर उसमें से किसी एक के ऊपर भी लाइट एक जो है हमारा उसके ऊपर भी अगर स्पेसिफिकली कोई कुछ ना कुछ होता है रिएक्शन, तो लाइट वगैरह या कुछ रोशनी वगैरह उसके ऊपर आएगी, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि दिस पर्सन हैज स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैंसर। तो एक ही छोटी सी चिप से कितने ज़्यादा टेस्ट किए जा सकते हैं, इससे ब्लड का भी और टाइम जो है वो भी काफ़ी हमारा बच सकता है। तो ये बेसिकली है CNT बेस्ड जीन चिप या लैब वाला चिप। उसके बाद बायो मटीरियल, जैसे कि इंसान के अंदर हमारा बॉडी है तो इसके अंदर वर्टिब्रा जो हमारे हैं वर्टिब्रल कॉलम अगर हमारा ख़राब हो जाए तो उसका अभी तक कोई इलाज ऐसे एज सच मौजूद नहीं है, लेकिन अभी हम उसको बायो मटीरियल के जरिए कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हमारे पास पोली इथर इथर कीटोन एक पॉलीमर है, उसका और हमारा जो कार्बन नैनो ट्यूब है इसका कंपोजिट मटीरियल बनाएंगे और उसको हम ढांचे के अंदर वर्टिब्रा के ढांचे के अंदर डालकर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बायो मटीरियल है तो ये ऑब्वियसली हमारे जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने लगा। तो ये बायो मटीरियल ऐसे आदमी जो कि चल फिर नहीं सकते वर्टिब्रल कॉलम की डिफॉर्मेशन की वजह से, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की एडवांसमेंट अभी देखी जा चुकी है इस फील्ड के अंदर। इसके अंदर हम मल्टी वाल कार्बन नैनो ट्यूब्स ऑब्वियसली इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे जैसे मतलब हमारे पास एक बीमारी होती है ग्रेवियस मेस्थानियस जी के भी उसको कहते हैं गालबन, तो ये उसके अंदर भी क्या होता है कि हमारा अपर बॉडी जो है उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो सकती है बोन्स वगैरह की, तो उसके अंदर ये मटीरियल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं इस एप्लीकेशन के लिए, पोली इथर इथर कीटोन और मल्टी वाल कार्बन नैनो ट्यूब्स। उसके बाद टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो उसके अंदर क्या होगा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हम कार्बन नैनो ट्यूब अंदर से हॉलो होती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ अपना थायरानोस्टिक एजेंट डाल सकते हैं, उसके ऊपर हम एंटीबॉडीज डाल सकते हैं जो कि एंटीजन जो कि कैंसर सेल को ढूंढेंगी, उसके बाद हम अपना ड्रग्स वगैरह पेलोड उसके ऊपर कर सकते हैं, और उसके अलावा अपना इसके अंदर क्या हो सकता है जी थायरानोस्टिक थेरेप्यूटिक एजेंट एंटीबॉडी फंक्शनल ग्रुप सम सॉर्ट ऑफ लगा सकते हैं जिससे वो आपस में अटैच हो जाए कैंसर सेल के साथ, और थायरानोस्टिक एजेंट या थेरेप्यूटिक एजेंट का काम होगा कि वो क्या नाम है उसकी केयर वगैरह करे और उसके कैंसर को ख़त्म करे अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाए, जबकि जो हमारा इमेजिंग पार्टिकल होंगे वो MRI वगैरह करेंगे। ये तो कन्वेंशनल जो होता है हमारे पास मेथड उससे ये काफ़ी अच्छा है और ये टारगेट करता है खास तौर पर कैंसर सेल्स को ही कैंसर करता है। तो इसका जो साइज़ है बेसिकली वो 700 to 1100 नैनोमीटर रेंज है डिपेंडिंग अपॉन बॉडी टिश्यू टाइप, तो ये बहुत ही आराम से सेल्स के अंदर तक जा सकता है, देयर इज़ नो एनी सच डिफ़िकल्टी इन दिस। तो अगर हम एक थोड़ा सा देखें कि पिछले कुछ सालों के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या एडवांसमेंट आई है, तो अगर आप थोड़ा सा करीब से देखें तो आप देखेंगे कि 2005 से लेकर 2020 तक अगर आप PubMed जो कि बेसिकली मेडिकल साइंस के रिलेटेड ही आपकी एक जर्नल है या सर्च इंजन है जिसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल फाइंड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 2005 से लेकर 2020 के अंदर इनके आर्टिकल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चार्ट जो बनाया गया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनकी बढ़ रहे हैं जर्नल्स के ऊपर। तो ये अभी इनकी पीक वैल्यू जो थी वो 2019 के अंदर 111 रिसर्च आर्टिकल जो थे वो पब्लिश करवाए गए हैं PubMed के ऊपर, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है। 2005 में तो ये सिर्फ 22 आर्टिकल्स थे, तो ये ग्राफ जो है पब्लिकेशंस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब ये भी एक है कि नैनो टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा एडवांसिंग फील्ड अभी जो है वो हो रही है। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डोंट हेजिटेट टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।